As we know that IPL 2021 has been suspended due to coronavirus. या IPL 2021 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था कोरोना वायरस ने। पहला पार्ट तो खत्म हो चुका था, फिर दूसरा पार्ट करवाने के लिए BCCI ने बहुत सोचा, बहुत समझा। पहले हम ये सुन रहे थे कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, काउंटी क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को ये इन्फॉर्म किया कि जो पार्ट टू है वो इंग्लैंड पे करवाने के लिए वहाँ पर उन लोगों को मदद हो सकता है, सिंपली बात। दूसरी बात ये हम सुन रहे थे कि शायद श्रीलंका पे भी हो सकता है IPL 2021 का पार्ट टू। यार बहुत कुछ सुना हमने, फिर आखिरी वक्त में BCCI ने ये कन्फर्म किया कि IPL 2020 का जो 31 मुकाबला बचा है यानी पार्ट टू, वो खेला जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE में, जहां पे सन 2020 IPL का भी फाइनल हुआ था। पूरा टूर्नामेंट जहां पे सन 2020 IPL हुआ था, वही जगह पर IPL 2021 का पार्ट टू भी खेला जाएगा। अब अगर ये बात किया जाए कि IPL 2021 पार्ट टू का डेट्स के बारे में, डेट ये है कि 19th ऑफ सितंबर से IPL 2021 का पार्ट टू स्टार्ट होगा और 15th तक अक्टूबर में IPL 2021 का फाइनल मैच खेला जाएगा। और फाइनल मैच की अगर बेनू बात किया जाए तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म है, फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलते हुए नजर आएगा। यानी हम IPL 2021 का पार्ट टू जो है वो 19th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होते हुए देखेंगे और फाइनल मैच दुबई मैदान का ऊपर 15th ऑफ अक्टूबर में हम खेलते हुए देखेंगे। भैया पहले हम ये सुन रहे थे कि 10 अक्टूबर को IPL 2021 का फाइनल मैच खेला जाएगा, लेकिन गर्मी की वजह से, UAE में गर्मी बहुत ज्यादा रहता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से BCCI और UAE दोनों बोर्ड ने यह सोचा कि जितना हो सके उतना डबल हेडर्स कम करवाने के लिए, और IPL फ्रेंचाइजीज का अच्छा होगा, प्लेयर्स का भी अच्छा होगा जितना डबल हेडर्स कम होगा। तो ये सोचते हैं BCCI ने ये फैसला लिया कि IPL 2021 को और 5 दिन ज्यादा देने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर 5 दिन ज्यादा खेलेंगे फ्रेंचाइजी तो डबल हेडर्स कम नजर आएगा, और फाइनल 15th ऑफ अक्टूबर में इसीलिए सिलेक्ट किया कि डबल हेडर्स ज्यादा ना होने के लिए। आप भी बहुत खुश हो, मैं भी खुश हूँ, बहुत लोग खुश है क्योंकि इंडिया का जो त्योहार वापस आ चुका है। लेकिन ये खुशी के साथ साथ कुछ हैरानी और कुछ परेशानी का भी बात। भाई हैरानी और परेशानी की बात है प्लेयर्स का अवेलेबिलिटी को लेकर। आपको पता है, मुझे पता है, हर एक टीम में 8 ओवरसीज खिलाड़ी रहते हैं, उन 8 में से 4 ओवरसीज खिलाड़ी को चुना जाता है, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन वो जो ओवरसीज खिलाड़ी है IPL 2021 का पार्ट टू का जो डेट फिक्स हुआ है, उस डेट के दौरान वो लोग शायद अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। अगर पहले बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश की 2 खिलाड़ी है, एक है शकीब अल हसन, दूसरे है मुस्ताफिजुर रहमान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पूरा कंफर्म कर दिया कि वो दोनों पार्ट टू का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग डिपार्टमेंट का HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो खिलाड़ी है, उनका नाम है पैट कमिंस। दिनेश कार्तिक साहब ने रिसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कन्फर्म किया कि पैट कमिंस साहब भी IPL 2021 फेज टू का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आएंगे, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत हैरानी की बात है, जो KKR फैंस के लिए बहुत हैरानी की बात है। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात किया जाए तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मैनेजर साहब ने कहा कि उन लोगों का बांग्लादेश के साथ खेल है, उन लोगों का पाकिस्तान के साथ खेल है, और वो खेल खत्म होने को अपना खिलाड़ियों को कुछ वक्त के लिए ब्रेक भी देना चाहते हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो शायद इंग्लैंड का खिलाड़ी भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे IPL 2021 का पार्ट टू खेलने के लिए। भैया अब अगर वेस्ट इंडीज का खिलाड़ियों के बारे में बात किया जाए, वेस्ट इंडीज जो टीम है उस टीम से बहुत खिलाड़ी हम IPL फ्रेंचाइजीज का हिस्सा बनते हुए देखते हैं। चाहे बात करें निकोलस पुरान की, चाहे बात करें कारन पोलार्ड की, चाहे बात करें आंद्रे रसेल की, चाहे बात करें सिमरन हिटमायर की, बहुत सारे खिलाड़ी हम IPL में देखते हैं। वेस्ट इंडीज का बात इसीलिए कर रहा हूँ भैया क्योंकि दरअसल जिस दिन IPL 2021 का मैच स्टार्ट होगा, उस दिन CPL यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग, जहाँ पे वेस्ट इंडीज का सब खिलाड़ी रहते हैं, उस दिन खत्म होगा। तो वेस्ट इंडीज का जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी शायद IPL 2021 का फर्स्ट वीक में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे अपना अपना फ्रेंचाइजी के लिए। लेकिन वहां पर बात यह है कि BCCI ने CPL यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग बोर्ड के साथ बात किया है कि जितना मेन खिलाड़ी है अपना अपना फ्रेंचाइजी का IPL में, उन खिलाड़ियों को अवेलेबल करने के लिए, लेकिन अभी भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं आया है। भैया आपने इतना कुछ सुनने के बाद आप आपका सिंपल सवाल मुझसे यह है कि भैया जरा बता दो, BCCI इंग्लैंड बोर्ड हो, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो या फिर वेस्ट इंडीज बोर्ड हो, इन बोर्डों के साथ कुछ बात नहीं कर रही है कि फॉरेन प्लेयर्स का अवेलेबिलिटी को लेकर IPL 2021 का पार्ट टू में? तो आपका सवाल का जवाब है हाँ भैया, BCCI बात करने में बहुत बिजी है, बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स हर वक्त क्लाइम कर रहे हैं कि BCCI कभी वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ बात कर रही है, BCCI कभी ECB के साथ बात कर रही है। तो ये BCCI बिजी है जितना ज़्यादा हो सके हर एक खिलाड़ी को अवेलेबल करवाने के लिए। लेकिन अगर आप एक वक्त के लिए यह सोचो कि इंग्लैंड बोर्ड ने यह कह रहे हैं कि
प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के लिए रेस्ट देना है, प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के लिए ब्रेक देना है, तो मुझे लगता नहीं कि शायद और कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। अगर नहीं करे तो क्या होगा? तो वहाँ पर फ्रेंचाइजी ऑफिशियल की तरफ से ये कन्फर्म न्यूज़ आया कि अगर इंग्लैंड का खिलाड़ी अवेलेबल नहीं हो पाए, लेकिन क्या होगा, यह होगा कि बीसीसीआई ने कहा जितना हो सके उतना ज़्यादा प्लेयर्स का जो रिप्लेसमेंट होते हैं ना, वो रिप्लेसमेंट देने का कोशिश किया जाएगा, फॉरेन प्लेयर्स का, खास करके इंग्लैंड प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट का कोशिश किया जाएगा। अगर दूसरी तरफ बात किया जाए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो वहाँ पर सिर्फ पैट कमिंस साहब खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, बाकी जितने सारे खिलाड़ी हैं उन लोगों को हम शायद देख पाएंगे। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, तो उन खिलाड़ियों को भी शायद हम देख सकते हैं आईपीएल 2021 का पार्ट टू का हिस्सा बनते हुए। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की बात किया जाए, वहाँ पर भी बीसीसीआई ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आईपीएल 2021 का पार्ट टू में। वेस्ट इंडीज का जो मेन खिलाड़ी है अपना अपना फ्रेंचाइजी आईपीएल में खेलते हैं, निकोलस पुरन, कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसल जैसा खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों को अवेलेबल करवाने के लिए। अगर वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी और वेस्ट इंडीज का बोर्ड ये माने, तो वेस्ट इंडीज का जो खिलाड़ी है मेन खिलाड़ी, वो हम आईपीएल में देखेंगे पहले से 19th of September से अपने अपना फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। अगर वेस्ट इंडीज़ बोर्ड ने ये नहीं माने कि वेस्ट इंडीज़ का जितने सारे मेन खिलाड़ी है वो वहाँ पर सीपीएल में मेन मेन अपना अपना फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम आईपीएल 2021 का फर्स्ट वीक में वेस्ट इंडीज़ का कोई भी खिलाड़ी को खेलते हुए नहीं देखेंगे आईपीएल में। तो आफ्टर ऑल इतने सारे बात करने के बाद हमने ये समझने में कामयाब हुआ कि बीसीसीआई हर दम कोशिश कर रही है कि हर एक प्लेयर को अवेलेबल करवाने के लिए। अगर अवेलेबल नहीं करवा पाए तो भैया फ्रेंचाइजीज को प्रॉपर रिप्लेसमेंट की सुव्यवस्था किया जाएगा। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी अभी भी है और बहुत सारे खिलाड़ी आप देखेंगे आपके 2021 पार्ट टू का हिस्सा बनते हुए।